श्रीलंका में 5 अगस्त को हुए संसदीय चुनाव में जीत भले ही किसी की भी हो, लेकिन नतीजों से चीन को फायदा जरूर होने वाला है। बीजिंग ने श्रीलंका पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लंबा समय दिया है। पहले तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीलंका के सबसे प्रभावी बौद्ध धर्म गुरुओं को अपनी ओर किया, जिसके बाद पिछले साल कोलंबो में लोटस टावर का उद्घाटन करना भी इसी प्लानिंग का बड़ा हिस्सा था। बता दें कि श्रीलंका का बहुसंख्यक सिंघली समुदाय बौद्ध धर्म को ही मानता है। चीन ने इस खेल की शुरुआत पिछले श्रीलंकाई चुनाव के दौरान ही कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट दुनिया तक।